हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स टेन। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे हल्दी के लड्डू। हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हल्दी को अलग अलग तरह से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कच्चे हल्दी के लड्डू। उसके लिए हमने सबसे पहले पैन को गर्म पर रखा है। उसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ हल्दी, कच्ची हल्दी। आप चाहे तो कद्दूकस की जगह आप इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और साथ में हम डालेंगे दूध 200 ml। और पैन में अगर बनाएंगे तो आपका हल्दी के लड्डू बहुत जल्दी बन जाएंगे, दूध जो है बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। और दूध डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिए और उसे पकने के लिए छोड़ दें। हल्दी के लड्डू अच्छे से पकने शुरू हो चुका है, इसमें उबाल आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon देसी घी। घी डालने के बाद इसे अच्छे से चला लें। हल्दी चाहे कच्ची हो या ड्राई फॉर्म में हो, हल्दी दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आज के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूध जो है अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी 3 tablespoon। चीनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा ये और लूज़ होगा। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए काजू और बादाम 2 tablespoon। आप चाहें तो और दूसरे भी मेवे डाल सकते हैं। आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ड्राई फ्रूट डालने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 teaspoon। इलायची डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देख सकते हैं आपके पूरी तरह से दूध ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे खोया यानी कि खोवा मिल्क सॉलिड 100 ग्राम। खोवा डालने के बाद हल्दी के लड्डू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुरुआत से हमने मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाया था, अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। और हमें तब तक पकाना है जब तक कि आप देख सकते हैं इस तरह से साइड्स छोड़ना ना शुरू हो जाए, इतना स्मूथ ना हो जाए, तब तक पकाना है। अब ये परफेक्टली पक चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। लड्डू का मिक्स जो है ठंडा हो चुका है। दूसरी प्लेट में है हमने लिया है कोकोनट पाउडर सूखा हुआ 1/2 cup। और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों की मदद से इसे इस तरह से गोल करेंगे। कच्ची हल्दी के लड्डू बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। बॉल जैसे बना लें और कोकोनट के ऊपर इसे इस तरह से रोल करें और दूसरे हाथ से सूखा खोपरा जो है ऊपर डालें और अच्छी तरह से कोट करें। और कोट होने के बाद और एक बार हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से। अभी रेडी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी बचे लड्डू को भी बना लेंगे। सारे लड्डू कोट होने के बाद जब रेडी हो जाए तो हम लड्डुओं को दोबारा से कोकोनट पाउडर में कोट करेंगे अच्छी तरह से, ताकि कोकोनट पाउडर जो है अच्छी तरह से लड्डुओं पर लग जाए। अब ये रेडी है, इसी तरह से हम बाकी लड्डुओं को भी दोबारा से कोट कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है हल्दी के लड्डू। अब हमारे हल्दी के लड्डू बनकर तैयार हैं। आज के टाइम पे सबको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सर्दी ज़ुकाम और बुखार के लिहाज से भी हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो एक लड्डू के तौर पे इसे खाएँ, बहुत टेस्टी भी है, साथ में आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।